मैं यहाँ पर आपको फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो कि हर साल आते हैं, जो कि मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, हाई वेटेज, जिसका है ऐसे टॉपिक्स में बताने वाली हूँ इस वीडियो में, विद इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हर चैप्टर से, यानी जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ, जिनसे वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। सो यू व्हाट यू गेट इन दिस वीडियो, लॉस ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है, जिसमें से आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे फ्री बॉडी डायग्राम्स, न्यूटन्स लॉ एप्लीकेशन, उससे क्वेश्चन आते हैं, वर्क एनर्जी थियोरम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन मैंने यहाँ पर वो प्रोवाइड किया है, जैसे कि ब्लॉक ऑफ मास 2 kg रेस्टिंग पोजीशन पर है, ये न्यूटन सेकेंड लॉ से आया है, 2018 का ये क्वेश्चन है। ऐसे ही आपको सेम ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन किसी भी ईयर में आपको रिपीट होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर नंबरिंग्स को, डिग्रीज को बदलकर, यूनिट्स को बदलकर न्यू क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। तो ऐसे ही न्यूटन सेकेंड लॉ का ये एप्लीकेशन है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ऐसे ही इन्हीं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम करते हुए आपको आएंगे, जैसे कि यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ का आया है। नेक्स्ट देखते हैं काइनेमेटिक सर्कुलर मोशन से फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत क्वेश्चंस आते हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स से आते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन से, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया पूछा गया है नीट 2003 में ये वाला क्वेश्चन, इसको अब यूनिट्स एंड नंबरिंग्स बदलकर, वर्ड्स बदलकर दे दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ हीट ट्रांसफर, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी, हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी, प्रॉब्लम्स आएंगे हीट ट्रांसफर के और फिर यहां से आएंगे। एग्जांपल देखते हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जैसे कि मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है नीट 2016 में, यही क्वेश्चन को फिर से फ्रेम किया जाएगा नंबरिंग से, यूनिट बदलकर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आप जितने आपको क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट, जब तक ये कॉन्सेप्ट आपको पक्का नहीं होता उतने टॉपिक्स पढ़ लें, क्योंकि इन टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चंस आएंगे सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपको आएगा, कूलम्स लॉ इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इम्पोर्टेंट है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इम्पोर्टेंट है, जिसमें से आपको प्रॉब्लम आएंगे फ्रॉम इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से, कैपेसिटर्स इन सर्किट से आएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जो कि बताया था कि मैंने इम्पोर्टेंट है, नीट 2019 में पूछा गया है, इसी तरह से ये भी उन्हीं में से है, ये भी इन्हीं में से है, कूलम्स लॉ 16 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, और यहाँ पर रिपीटेडली वेरियस नीट एग्जाम्स में ये पूछा गया क्वेश्चन है, इन्हीं टॉपिक्स से आया है, सो इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। नेक्स्ट है जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लेंस फॉर्मूला, मिरर एंड लेंस इक्वेशन, जिसमें से आएंगे आपको रे डायग्राम्स, ये कितनी दूर था, इमेज कब बनी, मोमबत्ती कहाँ दिख रही थी, ये सब पूछा जाएगा, लेंस एंड मिरर के इक्वेशंस के क्वेश्चंस आएंगे, स्नेल्स लॉ आएगा। यहाँ पर देखिए सारे के सारे इन्हीं में से पूछे गए हैं, मिरर इक्वेशन, लेंस इक्वेशंस है इसमें, लेंस फॉर्मूला से, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन इन्हीं में इंक्लूड किया गया है, आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं 2019 में, 18 में, 16 में, 17 में, हर ईयर इनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं एटॉमिक फिजिक्स, आपको इम्पोर्टेंट होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोर मॉडल, इमेजिन एंड ऑब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रम, जिसमें से आएंगे एनर्जी लेवल के कैलकुलेशन, स्पेक्ट्रल लाइन इंटरप्रिटेशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक से बहुत सारे आते हैं, यहाँ पर 2017, 18, 19 में इन्हीं में से पूछे गए ये क्वेश्चन है, जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं वेव से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं वो वेव इक्वेशन, वेव प्रॉपर्टीज, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, जहां से आपको प्रॉब्लम्स आते हैं फ्रॉम वेव स्पीड कैलकुलेशन, इंटरफेरेंस के पैटर्न्स एंड डॉपलर इफेक्ट, ये सारे के सारे इन्हीं में से इंक्लूडेड है, 18 में, 16 में, 17, 16, 18, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिज्म में FAQ,
इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर्स, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस बनेंगे एंड क्वेश्चंस आएंगे जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ राइट हैंड रूल, फोर्स एंड टॉर्क ऑन कैरिंग करंट लूप्स, मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके एग्जांपल सारे के सारे, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जिसमें कि ये टॉपिक्स इंक्लूडेड है और हर साल के 13 में, 14 में, 15 में, 16 में इनको पूछा गया है। यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक तो जरूर आएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स से आपको डेंसिटी, प्रेशर, पास्कल्स प्रिंसिपल, बर्नौलीस प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट होगा जहां से क्वेश्चन बनेंगे। फ्रॉम फ्लूइड स्टैटिक्स प्रॉब्लम से, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीस प्रिंसिपल से फ्लो रेट कैलकुलेशंस आपको करनी होंगे एंड आप यहां पर 18 में 16 में यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज, डायोड्स, ट्रांसिस्टर्स, एम्पलीफायर्स, लॉजिक गेट्स आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्वेश्चन आते हैं जैसे कि डायोड एंड ट्रांसिस्टर, सर्किट, एम्पलीफायर, लॉजिक गेट एप्लीकेशन से क्वेश्चंस आते हैं। 16, 18, 17 यानी हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें कि ये टॉपिक्स इंक्लूडेड। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिसमें कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जहां से आप जैसे कि देख सकते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में हर साल आपको यहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो इन चैप्टर्स से आपको जितना हो सके इन चैप्टर्स के टॉपिक्स से क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करें। जैसा कि अगर आपको मिरर इक्वेशन या फिर लेंस इक्वेशन से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप एक को सॉल्व करना समझ जाएं, जब उसके क्वेश्चन को अलग तरीके से फ्रेम करके पूछा जाएगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते, आपके पास उसको सॉल्व करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि बस आपने 100 से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है लेकिन एक्चुअल में आपको उसको सॉल्व कैसा करना है वो याद नहीं आ रहा है, आप स्टक हो गए हैं। तो एक को भी अगर आप सॉल्व करना सीख गए तो स्किप कर दीजिए, अगर एक भी आ गया है तो स्किप कर दें फिर दूसरे कॉन्सेप्ट के पास जाए, आ गया है तो फिर उसको मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उसके वेज जो डिफरेंट वेज में वो पूछ रहा है वो सारा कुछ को समझ जाएं फिर उस टॉपिक को छोड़ दें, नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाएं। इस तरह से आप टाइम भी बचा सकते हैं एंड अच्छी स्कोरिंग भी कर सकते हैं। सो दीज वेर द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम योर फिजिक्स सिलेबस जो कि मैंने आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से बता दिया है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।